हेलो फ्रेंड्स, मेरा ये पेड़ है गुलाब का। इस पे इस तरह का फूल लगा है। इसमें देखो कीड़े लगे हैं, इसके लिए भी मुझे दवाई डालनी है। ये फूल हटा देंगे तो भी ये कीड़े हट जाएंगे। ये छोड़ो अभी। मेरा ये पेड़ है, इसमें देखो फूल खिल चुके हैं और ये इसमें कहीं पे भी नई ब्रांच नहीं निकल रही, सिर्फ ये निकल रही है, वो भी जड़ से शुरू हो रही है। देखो आप, वो जड़ से निकल रही है और बाकी ये दो ब्रांच है जो ये इसमें ख़राब भी हो रही है। देखो इस तरह से ये ख़राब होना, तो इनको हटा देना चाहिए क्योंकि ये पूरे में फैल जाती है। वो ये वाली ब्रांच, इसमें भी कोई कॉप नहीं निकल रही है, कोई नई ब्रांच नहीं निकल रही है, तो इसको हम कटिंग कर देंगे, प्रूनिंग कर देंगे ना, तो नई ब्रांच निकलना शुरू हो जाएंगी। तो एक ये तरीका है जानने का कि कब कटिंग करनी चाहिए और किस तरह के पेड़ पर कटिंग करनी चाहिए। जैसे इसमें देखो पूरे फूल खिल चुके हैं, बिल्कुल भी कोई भी नई ब्रांच नहीं निकल रही है, और तो और छोटे छोटे जो कॉपे पीक रहती ना, जो वो भी नहीं निकल रहा है, बर्ड बोलते हैं उनको भी, देखो कहीं पे भी। इसकी प्रूनिंग कर देंगे तो नई ब्रांच निकलना चालू हो जाएंगी। मैं इसकी फ़िलहाल नीचे से करूँगी, नीचे से कर दूँगी तो ये जो ये फंगस टाइप का ही लग रहा है ये भी हट जाएगा, और दूसरा जो ये ब्रांच जो जड़ से निकल रही है ना, इसको ताकत मिल जाएगी। जो ये पोषण ले रही है ब्रांच, वो ये ना लेके ये ले लेगी, तो ये और जल्दी बड़ी हो जाएगी और इसमें ज़्यादा ढेर सारे फूल खिलेंगे। मैं ये दोनों कर दूँगी कटिंग, इसको भी कर दूंगी और इसको भी कर दूंगी। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। प्लीज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।